एसएससी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपयोगी पुस्तकों की सूची जो आपके एसएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपके इस तरह की तैयारी करने में बहुत काम आएगा। हमारा ये वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएससी सीजीएल भारत में सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं में से एक है और कई तरह के उम्मीदवार इस परीक्षा में अपनी किस्मत का परीक्षण करते हैं। सीजीएल के अलावा एसएससी एमटीएस संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर कनिष्ठ अभियंता परीक्षा आदि जैसे अन्य परीक्षाओं का भी आयोजन करती है। एसएससी प्रिपरेशन इंडस्ट्री भारत में बहुत बड़ा और उभर रहा है। हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं। एसएससी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए आपको पाठ्यक्रम और इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न के बारे में उचित जानकारी का होना अति आवश्यक है। एसएससी के मुख्य चार विषय हैं। नंबर एक रीजनिंग एबिलिटी, नंबर दो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर तीन इंग्लिश लैंग्वेज व कम्प्रीहेंशन, नंबर चार सामान्य जागरूकता। एसएससी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें और उनकी विषयवार सूची निम्न प्रकार है। रीजनिंग एबिलिटी एसएससी परीक्षाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण वर्ग सामान्य इंटेलिजेंस या तर्क खंड है। सीजीएल सीएचएसएल जैसे सभी परीक्षाओं में इस अनुभाग में से न्यूनतम 50 अंक के प्रश्न होते हैं और यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका समेकित स्कोर भी अच्छा ही होगा। कुछ स्टैंडर्ड किताबें निम्नलिखित आर्टिकल में बताई गई हैं, जिन्हें आप तैयारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। एम के पांडे द्वारा एनालिटिकल रीजनिंग, यह पुस्तक एसएससी परीक्षाओं के जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन में पूछे गए सभी विषयों से संबंधित है। यदि आप इस पुस्तक का अनुसरण कर रहे हैं तो आपको बहुत से अध्याय मिलेंगे। एडगर थोर्प द्वारा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, हालांकि इस किताब ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर किया है, इसका स्तर एसएससी के स्टैंडर्ड में बहुत अधिक है। यदि आप रीजनिंग की प्रश्नों को अधिक महत्व देते हैं और एसएससी के साथ साथ बैंक परीक्षा में भी जाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आर एस अग्रवाल द्वारा ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यह रीजनिंग के लिए एसएससी सेगमेंट में सबसे ज्यादा मांग की गई पुस्तकों में से है। इस पुस्तक को विशेष रूप से सामान्य इंटेलिजेंस व रीजनिंग अनुभाग के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही आपको प्रत्येक अध्याय में अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं क्योंकि वे अधिकतर एसएससी के स्टैंडर्ड के ही होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यह सेक्शन स्कोर करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एसएससी परीक्षा के इस खंड में अपने उत्तरों के बारे में पहले से ही सुनिश्चित होते हैं। यदि आप शीर्ष पर रैंक करना चाहते हैं तो आपको इस अनुभाग में भी अच्छा होना चाहिए। समस्या यह है कि अधिकांश प्रश्न कठिन और समय ज्यादा खाने वाले होते हैं, इसलिए आपको गणित की परीक्षा से पहले बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। सर्वेश वर्मा द्वारा क्वांटम कैट, यह पुस्तक एसएससी सीजीएल के सभी परीक्षाओं टीयर 1, 2 व 3 के साथ साथ अन्य एसएससी के भर्ती की तैयारी के लिए एक पूर्ण पैकेज है। एसएससी में अच्छी तरह से स्कोर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छी समझ रखने की जरूरत है क्योंकि केवल फॉर्मूलों को याद करने से बहुत कुछ नहीं होगा। इस पहलू में यह पुस्तक बहुत अच्छी है और अधिकतर एक्सरसाइजेज एसएससी के दृष्टिकोण से मुश्किल हैं लेकिन लाभदायक होंगी। यह पुस्तक विशेष कैट उम्मीदवारों के लिए बनाई गई है। हालांकि अगर आप एसएससी सीजीएल में आईटीआई या एक्साइज इंस्पेक्टर विदेश मंत्रालय आदि लेना चाहते हैं तो इस किताब के साथ आगे बढ़ें। राकेश यादव द्वारा एडवांस गणित, यह किताब उम्मीदवारों के बीच एक नए पड़ाव के जैसी है। इसके कारण यह लेखक उम्मीदवारों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आप इस पुस्तक को केवल तभी पढ़ें यदि आप स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे हैं। यह पुस्तक मुख्य रूप से गणित के टीयर 2 स्तर के लिए है और इस पुस्तक के साथ शुरू करने से पहले आपको सभी बेसिक्स स्पष्ट होने चाहिए। हालांकि एक बार जब आपको सभी बेसिक व कॉन्सेप्ट याद हो तो यह उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक साबित होती है। एम टैटाइरे द्वारा क्यूकर गणित पर जादुई पुस्तक, एसएससी उम्मीदवारों के लिए जो मुख्य रूप से शॉर्टकट विधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक के माध्यम से आप वो सभी सूत्र व शॉर्टकट विधियां जान सकते हैं।
उम्मीदवारों के बीच वह बहुत लोकप्रिय है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके किसी कॉन्सेप्ट का गहराई से ज्ञान है तो शॉर्टकट पद्धति आप भी बना सकते हैं और लागू भी कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा यह एक और महत्वपूर्ण खंड है, लेकिन इस खंड में कैंडिडेट्स की कमजोरी यह है कि अधिकांश प्रश्न प्रकृति में संदिग्ध हैं और इस भाग में स्कोरिंग काफी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप अपने जवाब के बारे में निश्चित नहीं होते हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए जो अंग्रेजी में अच्छे हैं, यह खंड आपको परीक्षा में भी बचा सकता है। एस वी बख्शी द्वारा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश यह किताब उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी है जो विषय के शब्दावली के बारे में मुख्यतः चिंतित हैं। पुस्तक में कई OWS मुहावरे और उनके समानार्थ शब्द दिए गए हैं, लेकिन व्याकरण के मोर्चे पर आप इस पुस्तक पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते और खासकर SSC CGL में टीयर द्वितीय के दृष्टिकोण से इस पुस्तक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है इसे एक सहायक किताब के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। KD कैंपस द्वारा प्रिंस टू पैरामाउंट यह पुस्तक बहुत अच्छी है। यदि आप विभिन्न व्याकरण नियमों और उनके आवेदनों को वास्तविक संदर्भ में स्पष्टीकरण की तलाश कर रहे हैं, SSC CGL में टीयर सेकंड अंग्रेजी और अन्य मामले में मुख्य परीक्षा के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। परीक्षा में अच्छी तरह से सफल होने के लिए आपको इसे पढ़ना चाहिए। नॉर्मन लुईस द्वारा वर्ल्ड पावर मेड इजी SSC परीक्षा में आपको अंग्रेजी शब्दावली में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए यह पुस्तक बेहद उपयोगी है। इसके अलावा आप इस किताब को अंग्रेजी के व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी पढ़ सकते हैं। सामान्य जागरूकता ज्यादातर उम्मीदवार इस विषय के बारे में चिंतित नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में यह केवल प्रीलिम्स परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। हालांकि यदि आप इस अनुभाग में अच्छी तरह से स्कोर करते हैं तो आप अपने समय के स्कोर में काफी सुधार कर सकते हैं। लुसेंट प्रकाशित सामान्य ज्ञान इस किताब का कोई अन्य विकल्प नहीं है और कभी होगा भी नहीं। बस इस पुस्तक को यथावत पढ़ें और बार बार दोहराएं। इतना करने मात्र से ही आप परीक्षा में एक शानदार अंक अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस पुस्तक को बार बार पढ़ा कि काफी वह जरूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपके साथ सही तैयारी सामग्री का होना होता है और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीमित पुस्तकों का पालन करते हैं और कई पुस्तकों का संदर्भ देने के बजाय उन्हें बार बार दोहराया करें। इसलिए बुद्धिमानी से चुने और अच्छी तरह से तैयार करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।